गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने लेसन 6 आपको पढ़ा दी थी। इसका लास्ट प्रोग्राम क्वेश्चन आंसर रह गया था। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। आप सभी स्टूडेंट इसको फेयर करेंगे और घर बैठ के इसको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 रूल्स डैट वी मस्ट फॉलो विथ रिगार्ड टू आवर नेशनल फ्लैग। तो इसका आंसर है, वी मस्ट फॉलो सम रूल्स विथ रिगार्ड टू इट देयर आर इट मस्ट नॉट बी केप्ट ऑन द ग्राउंड। द सेफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन टॉप। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ओवर द राइट शोल्डर। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, What does the base of the national emblem have? इसका आंसर है, The base of the national emblem has a horse, a bull, an elephant and a lion, separated by a wheel. Okay student, अब थर्ड क्वेश्चन है, How will we show respect to our national anthem? इसका आंसर है, We must show respect to our national anthem by we must learn the song and sing properly. When we sing it or hear it being sung, we must stand at attention. Okay, अब इसका third option है, we must not talk or move about during that time. अब फोर्थ क्वेश्चन है, which symbol have been used a lot in our art and culture? इसका आंसर है, peacock is a symbol of beauty and grace. It has an important place in our art and culture. Okay student, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। कल के क्लास में मैं आपको लेसन 7 पढ़ाऊंगी। ओके, बाय। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।